सभी किसान भाइयों को नमस्कार। YouTube चैनल कौशिक हॉर्टिकल्चर फार्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं दीपक कौशिक आज आपको एक बिल्कुल ही नई चीज़ के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जो किसान भाई गेहूं के फाने जो जड़ा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए भी, ज़मीन के लिए भी सबसे गलत काम है ये। धरती माता के ऊपर जो घास फसल उगती है उसका माल निकालने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसको जलाना सबसे गलत बात है। एक तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल ख़राब होता है, इससे धूल धुआं जो बनता है उसमें जो वातावरण है कार्बन है वो हमारा बढ़ता है और उसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, स्किन की बीमारियां होती हैं, आँखों की बीमारियां होती हैं और भी लीवर और फेफड़े से संबंधित बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो किसान भाई ये फाने जलाने का काम है ना बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और जो हमारी धरती माता का जो कार्बन है इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु हैं वो साथ के साथ जलते हैं। ये जो फाने हैं इनके अंदर पोटाशियम फास्फोरस नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। एक किले के फाने 2 कट्टे यूरिया 1 कट्टा DAP 1 कट्टा पोटाश के बराबर इनमें पोटाश फास्फोरस नाइट्रोजन होती है। किसान भाई बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ये पता नहीं कि आप अपना अपने पर्यावरण का और अपनी ज़मीन का और अपनी जेब का कितना नुकसान कर रहे हो। 100% गलत काम सभी किसान एक साथ देख के करते हैं। एक ने जला दिया दूसरा भी देखो देख जलाता है कि मेरा भी खेत अच्छा हो जाए। फाने हैं ये कल्टीवेशन जो बाई है, जोताई करने में परेशानी है, अगली फसल बिजाई करने में इसमें ज़मीन साफ सुथरी नहीं बनती, डलियाँ रह जाती हैं, ज़मीन संवरती नहीं है, जिससे बिजाई करने में जो घास की वगैरह बिजाई करते हैं ना उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये किसान भाई बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये धरती माता पूर्वजों की दी हुई सबसे गोल्डन अमानत है हमारे पास। आप इसको ऐसे फाने जला जला के अगर ख़राब करोगे तो हम अपने बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे। इसमें ताकत है वो आप फानों के थ्रू, पराली के थ्रू जला देते हो। ये बिल्कुल गलत काम है, आप ऐसा ना करें। इसको एक दो बार ज़्यादा कल्टीवेट कर दें, हर्रो निकाल दें, कल्टीवेटर निकाल दें, रूटावेटर से भी आप इसको काट के ज़मीन में मिला सकते हो। ये बहुत बढ़िया खाद है इस फानों के अंदर। और डीकम्पोजर का प्रयोग करके आप इनको गड़ा सड़ा भी सकते हो। इसका जो भूसा है उसको इकट्ठा करके दोबारा ज़मीन में इसको मिला के एक खाद का काम भी कर सकते हो, जिससे जैविक कार्बन बढ़ता है, ज़मीन का सूक्ष्म तत्व बढ़ते हैं और जितने भी फायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो बढ़ते हैं। तो इस मुहिम में मैं आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि सभी किसान भाइयों को कि ये फाने जलाने का काम ना करें। इससे कार्बन, ये अपना वातावरण भी ख़राब होता है और ज़मीन का कार्बन भी ख़राब होता है और आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये। आज हमें सुधरना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम इतना गलत काम कर रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरी हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वातावरण को बचाइए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन को बचाइए, धरती माता को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए और इसके अंदर जितने सूक्ष्म तत्व हैं, हजारों करोड़ों किस्म के बैक्टीरिया हैं, उनको आप बचाइए। तो सभी किसान भाइयों को मेरा संदेश, आप फाने ना जलाएं और अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, हमारी धरती माता को बचाएं।